फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। आज 1 मार्च और 1 मार्च एक नए महीने की शुरुआत है। नया रिजोल्यूशन लीजिए कि इस महीने में आप कौन कौन सा टारगेट ले रहे हो। आप भी एक डायरी और पेन लो और उसमें लिखो कि इस मंथ में हमें ये सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर देने हैं। नया मंथ, नया रिजोल्यूशन, नया टारगेट, नया जोश के साथ तैयारी स्टार्ट करनी है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स को देखेंगे, हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे क्या है आज के करंट अफेयर्स। सिर्फ क्लास, नो बकवास, याद रखिएगा, सिर्फ क्लास होगा, नो बकवास मेरे क्लास में होता है। तो महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बनी है? सबनीम इस्माइल। ये महिला क्रिकेट की जो T20 वर्ल्ड कप हो रही है इसमें सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई है सबनीम। हु हैज बीन बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन वीमेन्स T20 वर्ल्ड कप? सबनीम इस्माइल, याद रखिएगा, महिला T20 के फील्ड में। अगला है, INS सुकन्या आधिकारिक दौरे पर किस देश के पोर्ट पर पहुंचा है? INS सुकन्या ये श्रीलंका के दौरे पे है, याद रखिएगा। सिंधु रक्षक कहां गया था? इंडोनेशिया, 2 दिन पहले मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो ये सुकन्या है और ये श्रीलंका गया है, या लिंक कर दो सुकन्या को श्रीलंका से। अगला है, कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने जीता है, रशियन प्लेयर है। कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो होता है, जैसे विंबलडन होता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, इस तरीके से कतर ओपन है, इसको डेनियल मेदवेदेव ने जीत लिया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है? असम में किया गया है। मतलब विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज अनवील्ड द फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये बनाया गया असम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर्स में ब्रिटेन कोबरा वॉरियर्स में IAF भाग लेंगे, यानी इंडियन एयरफोर्स भाग लेगी। कोबरा वॉरियर्स इंडिया और ब्रिटेन के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है, जिसको एयरफोर्स के बीच में होता है और इसमें भाग लेगा ब्रिटेन में कौन? इंडिया अपना भाग लेने वाला है, ठीक है। पहले दोस्तों अगला देख लेते हैं, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? ये जीता है प्रमोद भगत ने। सरकार ने किस देश की सीमा के पास $3.9 अरब की पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी है? यह चीन को मंजूरी दे दी गई है, चीन की जो बॉर्डर है वहां पे। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड $3.9 बिलियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर नियर विच कंट्रीज बॉर्डर? तो दिस इज द चाइनाज बॉर्डर, वहां पे 3.9 बिलियन का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का ये प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा, ठीक है। विच प्लेयर हैज वन द सिल्वर मेडल इन द मेन्स सिंगल इवेंट इन द स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट? इज अ प्रमोद भगत। नेक्स्ट है, नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? निकोला फॉक्स को नासा ने अपने एक तरीके से बात करें, विच वुमेन हैज अपॉइंटेड बाय द नासा एज द एजेंसी साइंस चीफ फॉर द फर्स्ट टाइम? अभी तक के इतिहास में नासा का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, पहली बार साइंस चीफ बनी है निकोला फॉक्स। किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? फीफा वर्ल्ड कप मालूम है आपको, लियोनल मेसी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो अवार्ड है वो जीत लिया है, लियोनल मेसी। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? विच स्टेट डिड द प्राइम मिनिस्टर मोदी सॉरी ये केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ही है, इनॉग्रेट द शिवमोगा एयरपोर्ट? ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंटरचेंज हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो ये कर्नाटक है, जिसकी इंग्लिश यहाँ पे है। और ये केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है, और शिवमोगा एयरपोर्ट कहाँ है? कर्नाटक में, शिवमोगा जिला है, आपको पता ही है। अगला देखते हैं, नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है निकोला फॉक्स, नाओमी नेल्सन एंड विल्सम। आपको इसका कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो आई होप आपने कर दिया होगा। ऐसी बेहतरीन वीडियो के लिए जनरल टेस्ट की पूरी क्लास आएगी, टेंशन नहीं लेना है, लाइक भी कर दीजिए और दोनों चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेरी हो जरूर हमसे पूछिए। थैंक यू सो मच।